हाय, माय सेल्फ नंदिनी, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में मेडिकल एब्रीवेशन के बारे में बताने वाली हूँ। मेडिकल एब्रीवेशन क्या होता है, कैसे समझा जाता है, आपको उसी का फुल फॉर्म बताऊंगी। फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन तो होता है और मेडिसिन लिखी हुई होती है, पर कैसे खाना है ये चीज़ हमें फार्मासिस्ट ही बताता है, या कई बार हम मेडिसिन के रैपर पे 3 मार्क करके लेते हैं कि हमें पता होगा कि दिन में 3 गोलियां खानी है, या 2 मार्क करके लेते हैं कि दिन में 2 गोलियां खानी है। वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता होता एब्रीवेशन के बारे में, या कई बार डॉक्टर्स हमें ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जो हमें समझ नहीं आता कि इन्होंने क्या बोला है। तो आज मैं आपको वही एब्रीवेशन बताने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत ही इजिली अपने प्रिस्क्रिप्शन में दिए हुए शॉर्ट फॉर्म को समझ पाएंगे। आज टोटल मैं 25 एब्रीवेशन बताने वाली हूँ। अगर हमें RX लिखा हुआ मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो उसे हम समझते हैं ट्रीटमेंट। HX लिखा हुआ मिलता है वो है हिस्ट्री। DX डायग्नोसिस, QD एवरी डे, QOD एवरी अदर डे, QH एवरी आवर्स, S विदाउट मील, कहीं कहीं लिखा होगा BBF यानी बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के पहले, यानी एम्प्टी स्टमक। कुछ ऐसी मेडिसिंस होती हैं जिनके पीछे डॉक्टर लिखते हैं SOS, मतलब हमें जब उसकी नीड है तभी लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। PC आफ्टर मील, BD या BID ट्वाइस डेली, TDS या TID ट्वाइस डे दिन में 3 बार, QID 4 टाइम इन अ डे मतलब दिन में 4 बार, OD वंस अ डे यानी दिन में 1 बार, HS इट मीन्स बेड टाइम यानी हमें सोते समय कोई मेडिसिन लेनी है तो उसे हम लिखते हैं HS, TW ट्वाइस अ वीक, SQ सबक्यूटेनियस, IM इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावेनस, ID इंट्राडर्मल, RTX रेडियोथेरेपी, CTX कीमोथेरेपी, PMHX पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, IX इंडिकेशन, BX बायोप्सी, CX कॉम्प्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये थे 25 एब्रीवेशन जो कि मेडिकल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, और अगर आप नॉन मेडिको हैं तो भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। उससे आपको आपके स्ट्रिप पे 3 बार या 2 बार ऐसे सर्कल बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे भी समझ पाएंगे कि दिन में 2 बार लेनी है BD, दिन में 3 बार लेनी है TDS, दिन में 4 बार लेनी है QID, IM अगर डॉक्टर बोलते हैं यानी इंट्रामस्कुलर, IV बोलते हैं तो यानी इंट्रावेनस, ID बोलते हैं तो इंट्राडर्मल, जो भी मैंने बताए वो सारे एब्रीवेशन हैं। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल पे अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना।